सितंबर 2015 में दादरी के बिसेड़ा गांव में मोहम्मद अखलाक के घर में बीफ होने के शक में कुछ युवकों ने उसको घर से निकालकर मौत के घाट उतार दिया था। अब उन्हीं युवकों को स्थानीय भाजपा विधायक की पहल पर नौकरी दिलाकर एनटीपीसी लिमिटेड के साथ अनुबंध कराया जा रहा है। इसके लिए 9 अक्टूबर को भाजपा विधायक तेजपाल नागर ने दादरी के नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की ताकि उनकी भर्ती कराकर नौकरी की सुविधा प्रदान की जा सके। जानकारी के मुताबिक बीजेपी विधायक तेजपाल सिंह नागर ने कहा है कि रविंद्र सिसोदिया के परिवार को सरकार की तरफ से 8 लाख रुपए दिए जाएंगे और उनकी पत्नी को महीने भर के अंदर ही प्राइमरी स्कूल में टीचर की नौकरी दी जाएगी। साथ ही सरकार की तरफ से भी हर संभव मदद की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विधायक ने कहा है कि यहां पर बहुत से बेरोजगार युवा हैं जिनके लिए भी जॉब की बात की गई है। अगर वो मेहनत से काम करेंगे तो ही परमानेंट जॉब मिल सकती है, क्योंकि सभी प्राइवेट फर्म में भी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि 3 महीने के अंदर बाकी बेरोजगार युवाओं को भी नौकरी दे दी जाएगी। अखलाक की हत्या के आरोपियों ने पिछले 6 महीने में इलाहाबाद उच्च न्यायालय सहित विभिन्न अदालतों से जमानत हासिल कर ली थी। जमानत पर बाहर आने के बाद अखलाक की हत्या करने वाले इन युवकों को नौकरियों का प्रस्ताव महारत्न योजना के अंतर्गत दिया है। इसमें प्रभावित लोगों को नौकरियां दी जाती हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन संयंत्र बिसेड़ा गाँव के आसपास स्थित है और कई ग्रामीणों की जमीनों को 3 दशक पहले इसे बनाने के लिए अधिग्रहण किया गया था। एनटीपीसी प्रवक्ता ने युवाओं को नौकरी के प्रस्ताव की पुष्टि की। प्रवक्ता ने इस बारे में और अधिक जानकारी देते हुए बताया कि हाँ, हम बिसेड़ा के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने पर सहमत हुए हैं। अखलाक की हत्या में इनको फंसाया गया था, इसके साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। बिसेड़ा गांव के कई निवासियों को संविदात्मक नौकरी का प्रस्ताव दिया गया है, क्योंकि ये एनटीपीसी की सभी परियोजनाओं में प्रभावित व्यक्तियों की योग्यता और विशेषताओं के आधार पर ही दी जाने की नीति है। विधायक नागर ने एनटीपीसी प्रबंधन से अनुरोध किया है कि वो युवाओं को संविदात्मक आधार पर रोजगार प्रदान करें। विधायक ने हत्या के आरोपी को निर्दोष बताया और कहा कि उन्हें एक बेहतर अवसर मिलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ में।